बोले पार्वती जी एक बार शंकर जी के साथ विराजमान थी और पार्वती जी ने पार्वती जी का हाथ जब शंकर भगवान के तृतीय नेत्र के ऊपर पड़ा तो चूंकि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र कौन सा है नेत्र, बोले अग्नि नेत्र है। इस नेत्र का नाम, तीसरे नेत्र का नाम क्या है? अग्नि नेत्र। इसलिए तीसरा नेत्र जब शंकर भगवान का खुलता है तो प्रलय हो जाता है, सब लोग जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये अग्नि नेत्र है। और अग्नि की प्रकृति कैसी है? गर्म। अग्नि शीतल तो होती नहीं है भाई, गर्म ही होती है ना। तो जब पार्वती जी का हाथ शंकर भगवान के तीसरे नेत्र पर पड़ा तो जो गर्माहट है उस गर्माहट से पसीना उत्पन्न हुआ हाथ में, और पसीना उत्पन्न होते उसमें पसीने की बूंदें टपकने लगी, और जो पसीने की बूंद उनके हाथों से टपकी उसी से एक दैत्य उत्पन्न हो गया, विकराल रूप धारण कर लिया। उसका नाम था, लेकिन आंखें नहीं थी, उसका नाम पड़ा अंधक। अब जब अंधक उत्पन्न हुआ तो एक बार की बात है, एक बार की बात है, हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यपु का भाई है इसके कोई पुत्र नहीं था। भगवान शंकर को प्रसन्न किया, भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि ये जो पार्वती के हाथ के स्वेद से उत्पन्न हुआ है अंधक, इसे तुम पुत्र के रूप में ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो। अब लेकर तो गया, आगे चलकर भाई सभी दैत्य बालकों ने अंधक का बड़ा अपमान किया, अंधक का बड़ा अपमान किया। हिरण्याक्ष मारा गया भगवान श्री हरि के द्वारा। जब अंधक का अपमान हुआ तो अंधक ने क्या सोचा? मेरी आंखें नहीं है इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, और बड़ी कठिन तपस्या करके आंखें प्राप्त कर ली, दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। अब देखो एक बार की बात है, एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी से इसने वर प्राप्त करके त्रिलोक को जीत लिया, इसका अत्याचार बढ़ गया। इसने जब मंत्रियों से पार्वती जी के बारे में सुना कि पार्वती जी बहुत, पार्वती जी के सौंदर्य के बारे में सुना, तो इसके मन में काम उत्पन्न हो गया। और शंकर भगवान से इसने युद्ध किया किस लिए? पार्वती की प्राप्ति के लिए। कि देखो भाई, शंकर भगवान क्रोध में भर गए, बोले बताओ पार्वती जी के पसीने से ही उत्पन्न हुआ और पार्वती जी को ही प्राप्त करना चाहता। तो शंकर भगवान ने, शंकर भगवान ने इसका संहार कर दिया महाराज, संहार करना चाहा। लेकिन उसके पहले देखो, शंकर भगवान जब इसके शरीर का अंग भंग करते तो इसके रक्त से अनेक अंधकासुर अंधक उत्पन्न होते रहे। तो भगवान विष्णु ने शंकर भगवान की आज्ञा से काली का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने काली का रूप धारण किया और काली का रूप धारण करके सारा रक्त पी गई। अरे जब रक्त गिरे तब तो अंधक उत्पन्न हो, सारा रक्त पी गई। और जब शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल लिया, त्रिशूल से ही उठा लिया अंधक को, और त्रिशूल से उठाकर अंधक को घुमाने लगे शंकर भगवान, अब इसकी हालत खराब हो गई कि प्रभु मैंने बहुत भारी गलती की, आप महादेव मुझे क्षमा करिए। बड़ी स्तुति करने लगा महाराज, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने उसे गणपत्य पद प्रदान कर दिया, बोले जाओ